खेतिया की रामप्रसाद मंगलवार भवन में भाजपा मंडल के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में पांच वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे, जिसमें प्रथम सत्र के समापन अवसर पर रामजी सोनानी एवं प्रदीप निकुंभ ने शिरकत करते हुए बताया कि भाजपा देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगा है। वह भारतीय जनता पार्टी की लाखों उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी भाजपा का कार्यकर्ता अपनी विरोधी पार्टियों का मुंह नहीं बंद कर पाता है। इसके हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को वैचारिक योद्धा बनना पड़ेगा। मैं भी आपके बीच में नया नया वक्ता हूँ। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में 10 सत्र हुए, जिसमें 10 वक्ताओं ने पार्टी के इतिहास, उसकी धारा व आगामी रूपरेखा पर विचार रखे। वहीं दूसरे दिन के छठवें सत्र में ज्योति यवतिकर ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी व कहा कि इस वर्ग में आने वाला कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होकर निकलेगा। प्रशिक्षण शिविर का संचालन पवन शर्मा द्वारा किया गया। उक्त प्रशिक्षण में खेतिया भाजपा मंडल के अध्यक्ष कमलेश राजपूत एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम हरसोला, भाजपा महामंत्री अतुल निकुम एवं रविवार पटेल सहित क्षेत्र से सभी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रति मंडलों में भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, और इसके निमित्त जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से सेना में सैनिकों का प्रशिक्षण शिविर होता है, उसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं और इनका प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक वक्ता का निर्माण, एक नेता का निर्माण, एक कार्यकर्ता का निर्माण कैसे किया जा सकता है, इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 10 सत्र होने वाले हैं। हर सत्र में अलग अलग विषय की जानकारी, जिससे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो और जब वो क्षेत्र में जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ऊर्जा के साथ जाए और अच्छा विश्लेषण करें और लोगों को जोड़ें, इस प्रकार से हम लोग करने जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ।